और किसको? बच्चे को सिखाने में। किसको? क्योंकि उसका स्टार्टिंग एज है, जितना आप उसको सिखाते रहोगे, अगर बचपन से उसको इंग्लिश सिखाओगे तो वो पूरा इंग्लिश में ही डेवलप होगा। यस सर नो? यस सर। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिखाने में किसको होता है? पढ़े लिखे लोग को। किसको? पढ़े लिखे। आप लोग पढ़े लिखे हैं ना? ज्यादा लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ना? यस सर। है? यस सर। भाई बैठे कि नहीं बैठे? यस सर। तो सिखाने में दिक्कत किसको होता है? क्योंकि वो होशियार होता है। समझ में आ रहा है? वो ऐसा होशियार है कि ना वो खुद पढ़ सकता है ना वो दूसरे को पढ़ा सकता है। मेरा मकसद आपके बेइज्जती करने का नहीं है, मेरा मकसद आपको डिमोरलाइज करने का नहीं है, मैं सिर्फ आपको हकीकत बता रहा हूं। हमारे देश में 97% विद्यार्थी के पास कोई सोच नहीं है। क्यों पढ़ा मालूम नहीं, क्या पढ़ा मालूम नहीं। आप किसी स्कूल कॉलेज में जब रिजल्ट आए, उस गेट के सामने खड़े हो जाना, सिर्फ ज्यादा लोगों से नहीं 10 लोगों से पूछना कि भैया दीदी अभी आपने ये पास कर लिया, अभी आप क्या करेंगे, तो उसमें से 7 लोग क्या बोलेगा पता है? अभी मैं आराम करूंगा। उसमें से 3 लोग बोलेगा कि मैं SSC की तैयारी करूंगा। उसमें से 1 बोलेगा मैं वहां जाके पढ़ाई करूंगा। 1 बोलेगा मैं आगे पढ़ने की तैयारी करूंगा। और उसमें से 7 लोग क्या बोलेगा? अभी इतना पढ़ लिया वो। दोस्त यहां पे आए हैं तो पहले समझना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल में मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर मैं भी यहां पे आया हूं, सर लोग भी यहां पे आए हैं, तो एक उद्देश्य के साथ आए हैं। आपको भी अगर यहां पे आए हैं तो आपके पास भी एक उद्देश्य होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हैं? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हैं? लेकिन आज वो उद्देश्य किसके पास है? मेरे पास है। किसके पास? एक टाइम पे मेरे पास नहीं था। किसके पास था? है? पेरेंट्स के पास। यस नो? अभी आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, आपका कोई सपना नहीं है, जितना बड़ा सपना आपके माँ बाप ने देख रखा है। लेकिन कल को जाके जब आप पेरेंट्स बनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब वो उद्देश्य आपका माँ बाप का उद्देश्य जब आपके ऊपर ट्रांसफर होगा, आपके माँ बाप का जिम्मेदारी जब आपके ऊपर ट्रांसफर होगा, तब आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा मेरे भाई? Yes, sir. तो हम एक व्यक्ति का सबसे पहले क्या बनाते हैं? Yes, क्या बनाते हैं? उद्देश्य बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये क्लियर रहेगा तो वो आगे की जर्नी को तय कर पाएगा। यस और नो? यस सर। है? यस यस सर। वाला जनरेशन आपकी उम्र में आएगा तो उसको भी सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, मौका आगे बढ़ने के करियर अगर कोई देगा तो उसका नाम है स्मार्ट लीडर पे 40 साल बाद। ये आपको समझ में आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस। हम भारत की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहे हैं जो अपना 25 साल कंप्लीट करने जा रहा है। कितने साल? 25 साल। हम लोग सिल्वर जुबली प्रोग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। जब किसी चीज को 25 साल हो जाते हैं तो लोग उसको सेलिब्रेट करता है, लोग उसको तरह तरह का नाम देता है कि 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, 25 साल हो गया, सिल्वर जुबली हो गया, 50 साल हो गया तो गोल्डन जुबली। तो हम लोग लकी हैं कि हम लोग साक्षी बनने जा रहे हैं। हम लोग अपनी आंखों से आने वाले 2 साल के अंदर हम इस ऑर्गेनाइजेशन का भारत में सबसे बड़ा प्रोग्राम सिल्वर जुबली प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कि आप कैसी, आप किस ऑर्गेनाइजेशन, किस इंस्टीट्यूट के अंदर आप आए हैं कि जो सोच और सपना लेकर आप यहाँ पे आए हैं उसको अगर कोई पूरा कर सकता है तो यही है। अगर आप एक जगह पे काम करेंगे, अगर आप एक जगह पे काम करते हैं तो कितने घंटे काम करना होता है? 8 से 12। 8 तो मिनिमम है ही। किसकी मर्जी से?
है? आपकी मर्जी से हो पाएगा काम? नहीं सर। किसकी मर्जी चलेगी? बॉस। वो कल अगर आपको सुबह 6 बजे बुलाए मॉर्निंग में, कितने बजे? 6 बजे। आप कितने बजे पहुंचेंगे? 6 बजे। 6 बजे तो आप काम स्टार्ट कर देंगे। कितने बजे? 5:30 बजे। अगर हम आपको यहाँ 8 बजे बुलाएंगे तो कितने बजे आएंगे आप? अभी तक तो आए नहीं आप। यही अंतर है। क्या है? यही अंतर है। आप वहां पे दूसरे की मर्जी से पूरा डेडिकेशन, पूरा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, 12-12 घंटे, क्या 24-24 घंटे आप काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमको अपनी मर्जी से 4-5 घंटा देने के लिए तैयार नहीं है। किसकी मर्जी से? किसकी मर्जी से है? अगर मैं सीखना नहीं चाहता हूं तो आप क्या मुझे सिखा दोगे? है? और जिस दिन मैं सीखने की सोच लूंगा तो क्या कोई मुझे रोक लेगा? नहीं। किसकी मर्जी चलती है? मर्जी। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? किसकी मर्जी से? लेकिन अगर आप यहाँ पे आ गए